हम जो साइड की पैनल बना रहे थे ना गाइस, सच में वो साइड की पैनल एकदम सोचा हुआ था वैसी बन चुकी है। अभी हम केमिकल बना रहे फॉर्म का पांचवी बार। तो देखो गाइस कुछ ऐसी है, वजन नहीं होगा, नहीं वजन है ही नहीं। अरे ओवर एक्टिंग रहना तो। ये जो कार्डबोर्ड पेपर है वो निकलता नहीं है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो सबकी उत्तरायण कैसी गई कमेंट जरूर करना। हमारी तो बहुत ही मस्त गई। मतलब कल मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया, क्योंकि कल फैमिली के साथ था। मैंने दिवाली भी नहीं बनाई थी, ना ही मेरा बर्थडे बनाया था, वीडियो में ही बिजी था। तो उत्तरायण में एक दिन मैं घर पर रह गया एंड मज़ा आ गया। अभी आज भी हमारे यहाँ पर दो दिन उत्तरायण होती है, तो कल थी आज भी है। तो आज तो हमारा काम चालू होगा। हर्ष भाई ने केमिकल ला के दे दिया सुबह को, हम जाके वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। तो चलो निकलते हैं फटाफट सुबह सुबह एंड टाइम 9:37। आप लोग बोलते हो कि धवल भाई आप जो काम कर रहे हो हाथीजन उसका एड्रेस क्या है? वैसे देखो रिंग रोड है, रिंग रोड पे आता है हाथीजन। आप मैप पे डालोगे हाथीजन तो आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड हाथीजन रास्ते में ही है सुरभि का वर्कशॉप। तो हाथीजन जैसे ही हाथीजन के अंदर आप एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड सुरभि का शॉप आएगा, हाथीजन के अंदर सीधे जाने का है बस। और एक बात कि मैंने परसों जो जैकेट खरीदा था DSC का, वो कोई मुझे स्पॉन्सरशिप में नहीं आया हुआ है, मैंने खुद मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। तो उसका रेट है 10,999, 11,000 का जैकेट है। तो वैसे एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब से जो मेरा पेमेंट आता है ना, वो पूरा उससे भी ज़्यादा पैसा मुझे प्रोजेक्ट में लगता है। तो समझ लो गाइस कि इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खरीदता नहीं हूँ। मेरे लिए मुझे आईफोन भी चेंज करना है, वो भी नहीं कर पा रहा। मैंने जैकेट भी लेना था, वो मैंने कब लिया आपको पता होगा, मैंने एक हफ्ते पहले एक प्रमोशन किया था एप्लीकेशन का, तो उसमें से छोटा मोटा पेमेंट आया एंड दूसरा मेरे पास बचा के रखा था पेमेंट, थोड़ा पॉकेट मनी, मतलब दोनों पैसे मिला के मैंने एक जैकेट खरीदा। ऐसा कुछ है गाइस, मतलब मैं खुद के लिए भी अभी कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कुछ है होगा गाइस, मुझे इतना मजा है कि मेरी फैमिली जो बढ़ रही है ना, बस वो मेरे लिए बहुत है। आगे जाके मुझे इसमें से ही सब कुछ मिल जाएगा। हर्ष भाई गुड मॉर्निंग। कितनी काटी पतंग? बहुत काटी, कटवाई बहुत। यार ऐसा हैंड केमिकल हमारा आ चुके हैं, देखो पता निकाला दो। सही है, कितना आया? दो लीटर 4 लीटर। ओके तो चलिए गाइस, सागर भी आ चुके हैं, सोहेल भी आ चुके हैं। एंड सोहेल भाई कल कितनी पतंग काटी आपने? दोनों पतंग उड़े, दोनों कट गए, किसी की काटी नहीं। काटी ऐसा कर भाई, आपने कितनी पतंग उड़ाई? वो कितनी? 10-11 उड़ाई है, सबकी सब कट गई बस। हाँ उसमें से 4-5 किसी की काटी। मैंने 2 पतंग उड़ाई थी, उसमें से मैंने 1 काटी थी, 2 काटी थी एंड 2 मेरे गई। चलो चलो हमारी उत्तरायण तो मस्त जा चुकी है एंड हमारा केमिकल भी आ चुका है, इसका वेट कर रहे थे। तो चलो केमिकल आ चुका है 2-2 लीटर, हम केमिकल बनाएंगे एंड अपना जो काम रुका हुआ था वो कंटिन्यू करेंगे। देखो बाइक को निकालेंगे बाहर एंड इसके अंदर डालेंगे फॉर्म एंड बनाएंगे। चलो हेलो गाइस, 12 बज चुके हैं एंड अभी यहाँ पे डालेंगे अपन मटेरियल फॉर्म का। चलो बनाते फटाफट एंड डालते कहाँ के बॉटल, ये वाला बाउल है एंड चलो दोनों कभी केमिकल मिक्स करते हैं। केमिकल कौन सा है? बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे तो केमिकल कौन सा है मुझे पता नहीं है। तो हर्ष भी बता रहे थे कि इसका नाम पॉप फॉर्म है, इतना ही पता है। बहुत बड़ा बना, जब भी हमने थोड़ा ही बनाया था, थोड़ा डालेंगे जितना ऊपर आएगा उतना रखेंगे, दूसरा बनाएंगे। फटाफट हाथ क्लीन करो नहीं तो हाथ में निकलता नहीं है। हमने जो दूसरी बार फॉर्म डाला उसके अंदर इतना बना, देखो इतना। अभी भी एक बार डालना पड़ेगा, ये मोल्ड की पूरी पैनल बन जाएंगी, उसके बाद हम इसको इसका पेपर कटिंग करेंगे ये कार्डबोर्ड, उसके बाद फिनिशिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरी बार बनाने पड़ेगा फॉर्म का, अभी थोड़ा ही बाकी है इसके लिए। चलो फटाफट यहाँ पे खत्म। ऐसे अभी हम चौथी बार बना रहे मटेरियल, वो देखो इतना ही बना, फॉर्म दिखा दो एक बार, इतना ही बना, थोड़ा बहुत बाकी है। इतना बाकी तो थोड़ा और फॉर्म बनाना है, तो थोड़ा मटेरियल मिक्स करेंगे, डालेंगे चौथी बार। चलो यहाँ पे भी आगे डाला, आगे थोड़ा थोड़ा डालना बस।
तभी हम केमिकल बना रहे फॉर्म का पांचवी बार। देखो इतना हुआ एंड बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है, चलो फटाफट बस बस इतना हुआ बनाते फटाफट एंड डालते हैं, खत्म कर दे इसका काम बस। इक्वली बात था जो तो कैसे अभी लगता है कि हमारा फॉर्म सूख चुका है, सूख गया ना? हाँ सूख गया। चलो अभी इसको निकालेंगे एंड कटिंग करना चालू करेंगे। गाइस कुछ ऐसी है, वजन नहीं होगा, नहीं नहीं वजन है ही नहीं। अरे ओवर एक्टिंग रे, हम तो एक उंगली से भी ऊंचा कर सकता है इसको। हां वजन नहीं, वजन नहीं है। देखो गाइस मैं देखो मैं ऊंचा करता हूं यहां से, देखो वजन है ही नहीं। एंड कुछ इस तरीके से हमारे साइड की बैनर मतलब मोल्ड बन चुका है, तब घर तो मस्ती करते हैं हम यहां पे। हां देखो चलो इसको अभी इसका कार्बन पेपर निकालेंगे एंड फॉर्म फॉर्म रखेंगे। तो गाइस अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बन पेपर है वो निकलता नहीं है खींच के, तो एक काम करेंगे पानी डालेंगे एंड थोड़ी देर बाद ये जो कार्बन पेपर है वो तो नरम हो जाएगा पानी से, तो निकालेंगे। एंड जो फॉर्म है फॉर्म के ऊपर पानी रहता नहीं है, फॉर्म के ऊपर से पानी निकल जाता है, इसके लिए चलेगा। चलो लगा फटाफट निकला भाई। और यहाँ पे लगा हुआ था कार्बन पेपर, वो हमने खींच दिया है। अभी इसके ऊपर ये वाली साइड की पैनल रखेंगे एंड इसके हिसाब से हम इसका फिनिशिंग करेंगे। चलो हमारे पास एक छुरी थी बहुत बड़ी, उससे कटिंग हो रहा है परफेक्ट। तो श्वेत भाई कटिंग कर रहे हैं, देखो हमारा साइड का पैनल का फॉर्म कटिंग हो चुका है, बट अभी इसके ऊपर हमको रफ करना है, घिसना है। तो हमारे पास जो पेपर है वो 80 का है, हमको थोड़ा बड़ा पेपर चाहिए ना शिव भाई, बड़ा चाहिए। तो आज है उत्तरायण तो देखते हैं, मार्केट में शॉप खुली होगी तो पेपर लेके आएंगे। चलो फटाफट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ करके हमको आज साइड का पैनल का परफेक्ट माप निकालना है। मोटो एक साइज आवे, एक हाँ साइज आठ साइज आवे। अच्छा ओके, देखो ये पेपर है। तो गाइस पेपर लेके आ चुके हैं एंड यहाँ पे जो हमको रफ करना है ना, बहुत करना है, मतलब इतना थिकनेस है, देखो इतना बड़ा थिकनेस है, इतना होगा हमको इतना करना है। तो देखो इतना पूरा घिसना है हमको, कटर से घिसेंगे तो उतना फिनिशिंग नहीं आएगा। देखो कटर से तो बड़ा बड़ा घिसेंगे ऊपर से, बट हमको जो लेवल लेना है वो पेपर से आएगा, ऐसा कुछ है। तो चलो काम कंटिन्यू रखेंगे सुनील भाई। तो अभी रफ कर करके इतना रफ किया है ना, कपड़े तो खराब हुए ही हुए हैं। देखो यहाँ पे एंड जो पैनल है वो कैसी दिख रही है, देखो मैच मैच कुछ इस तरीके से साइड पे आ रही है, देखो कुछ ऐसे। अभी छोटा मोटा प्रॉब्लम लग रहा है, अभी क्या करना है, और भी घिसना है ना, बहुत बहुत घिसना पड़ेगा, अभी तो बहुत घिसना है। हाँ कुछ ऐसे आएगी, पकड़ लो। तो गाइस अभी टाइम देखो 6:22, 6:30 बज चुके हैं एंड यहाँ पे देखो हम जो साइड की पैनल बना रहे थे ना गाइस, सच में वो साइड की पैनल एकदम सोचा हुआ था वैसी बन चुकी है, मतलब वो कर्ल कंप्लीट आ रहा है इस साइड की पैनल हमारी। अंदर से तो जाना दो कैसी भी हो एंड बाहर से हमको फिनिशिंग लेना है। देखो एंड कटिंग तो बहुत किया, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है।
देखो गाइस यहाँ पे हमने कट लगाया, देखो जैसा अंदर लिया यहाँ से थोड़ा क्रॉस लिया है, वो लुक अच्छा आ रहा है देखो, सही है। इसमें क्या है कि छोटे मोटे गड्ढे तो लापी से कवर हो जाएंगे, बट देखो कुछ ऐसे हमने यहाँ पे कटिंग किया है, लुक अच्छा आ रहा है इसके लिए। एंड फिटिंग करके देखा कम्प्लीट है, और भी आपको दिखाएंगे आगे। सभी 8:30 बज चुके हैं एंड साइड की पैनल, मतलब सुबह से सोच के आए थे कि साइड की पैनल बना देना है, पतंग नहीं उड़ाया तो कोई नहीं, काम तो करेंगे ना, तो कर दिया हमने। सोहेल भाई सुबह से मेरे साथ है, बाइक उड़ाएंगे, सही है। एंड सागर भाई भी साथ में ही है, एंड देख लो हमारी साइड की पैनल कैसी बनी है। कुछ ऐसे आएगा साइड का पैनल, मतलब इसमें 2 पैनल आएगा ना, एक तो हमारी बन चुकी है, यहाँ पर दूसरी भी आएंगी, वो बनाएंगे बाद में। मतलब इसको कटिंग करने में टाइम बहुत गया, बट हुआ सक्सेस। जो भी कर रहे हैं ना काम, धीरे धीरे कर रहे हैं तो सक्सेस हो रहा है। देखो यहाँ से देखो साइड की पैनल कुछ इस तरीके से दिख रही है, देखो ये पूरा फॉर्म का है। ये जो बाहर है ना वो देखो आप, जो बाहर है ना उससे ही हमको साइड की पैनल बनाना है, उसके शेप से बनाना है। अंदर तो थिकनेस भी बड़ी है, वो नहीं आएगा, बाहर से इतना आएगा। देखो देखो यहाँ से अभी और भी थोड़ा बेंड होगा नीचे से, और भी थोड़ा नीचे से अंदर जाएगा ऐसा कुछ। जो फ्लाई व्हील है वो भी दिख रहा है घूमता हुआ, एंड ऐसा कुछ है, चलो सही है। और एक बात कि देखो यहाँ पे जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है उसको भी कट करना है, वो कट तब करेंगे तो दोनों पैनल बन जाएंगी, उसके बाद दोनों को साथ में रख के देखेंगे कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, उसके हिसाब से कटिंग करेंगे, वैसा कुछ है। थोड़े 4 पैनल में हमारे साइड की पैनल बनेगी, ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है, तो करेंगे धीरे धीरे। एंड जब हमने फॉर्म लगाया था, मटेरियल बनाया था, तब इतना बड़ा थिकनेस था, आपको पता था इतना बड़ा थिकनेस था, उसको हमने घिस घिस के इतना किया, एंड ये परफेक्ट है। देखो पूरा मुड़ा हुआ है वैसा हमने घिसा हुआ है। टैंक का भी काम बाकी है, हमने पीओपी लगा के रख दिया, इसको सूख चुका है, पेपर से फिनिशिंग करेंगे, एंड कल सोहेल भाई इसको लापी पुट्टी भर देंगे, पुट्टी भर देंगे तो वो भी हो जाएगा। मतलब कल भी सोहेल इसका काम करेंगे, हम इसका काम करेंगे, तो सब काम सबको डिवाइड कर देंगे, तो फटाफट काम होगा। एंड बहुत जल्द हमारा फाइबर का भी मटेरियल तैयार होने वाला है गाइस। आप सबने पतंग तो उड़ाई होगी, तो किसने कितनी काटी कमेंट जरूर करना, एंड आपकी कितनी कटी वो भी कमेंट जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।